हाँ जल्दी चल फटाफट पूछ लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। सर मुझे पूछना थी कि मतलब पेपर में फिजिक्स के पेपर में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी हमें, तो सर हाँ वो थोड़ा टेंशन हो रहा है, तो कितना कैसे कब पढ़ेंगे, क्या रिवाइज करें 1 दिन में। तो आपने अभी क्लास ज्वाइन नहीं करी क्या इतने दिनों से? अपन वही चीज़ तो डेली प्रैक्टिस करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आपके लिए, इनको प्रैक्टिस करो, हो जाओगे यार पास। आप इतना चिंता क्यों करते हो, हमें तो सही। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस है, उनको देख लो, देख लेना आप लोग, हो जाओगे इतना। जो चीज़ करवाई है ना उनको अच्छे से कर लो। बाकी जो जो मॉर्निंग वाली क्लास थी अपनी 12 बजे वाली, आफ्टरनून वाली बोलना चाहिए, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसमें हमने इतनी सारी चीज़ करवा दी कि आप जानते नहीं हो, बहुत सारी चीज़ करवाई है वहाँ पर, 2 नंबर के लिए, साथ में ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो वो क्लास अगर हो सके तो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना जिनकी छूट गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ तो अब आते हैं टॉपिक के सर ऊपर। वैसी क्लास एक और ले लीजिएगा बचे हुए लेंगे लेंगे चैप्टर्स लेंगे के। वो क्लास लेंगे बिल्कुल, आधे ऑब्जेक्टिव हमारे बाकी हैं। उससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ में 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव तो होंगे ही होंगे। तो क्लास लेंगे एक और सर कुछ कुछ आपकी, तो 3 नंबर के भी हो जाएंगे। हाँ 3 नंबर के भी हो जाएंगे वहाँ से, और साथ में होमवर्क मिलता है आपको वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती है यार वहाँ पर। सर चलो न्यूमेरिकल्स वगैरह कितने मार्क्स के आते हैं? अब स्टार्ट करें क्लास को। ये चीज़ तो बताने के लिए आज हमने क्लास ली कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, टॉप न्यूमेरिकल हमारे लिए सर कौन सी क्लास होगी। चालू कर दीजिए। बस हो गई बात अपनी, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। अब जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि देखो यार कैसी बातें करते हैं ये लोग। चलो ठीक है। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस वगैरह की, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं चीज़ें, हम लोग देखेंगे। अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है हमने, स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोग लेट हो गए होंगे तो सोच रहे होंगे वो लोग। एक काम करते हैं, स्क्रीन को पूरा शेयर कर देते हैं, ना करें, चलो नहीं करते हैं पूरी स्क्रीन को शेयर, इतनी कर देते हैं, इतना काफ़ी है। फिर आपसे बोल रहे हैं जो जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो सब इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यहाँ पर हम लोग फालतू में आपको कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, समझ रहे हो? तो हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये रहेगा। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेल एंड पोटेंशियोमीटर। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है एमपी बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन का नाम है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारे सामने क्वेश्चन बनता है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके बीच में हम लोग एक रिलेशन देखेंगे, और बहुत सिंपल रिलेशन है। इसी से हमारे आज ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने वाले हैं। अगर ये कर लिया तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, नहीं बोलना चाहिए न्यूमेरिकल, बोलना चाहिए, बार बार हमारे मुंह से बस वही निकलता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, तो आज का हमारा टारगेट है कि हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, साथ में रे ऑप्टिक्स के कुछ सेक्शन, जो सेशन हमारा बच सेक्शन बच गए हमारे कुछ, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत जरूरी टॉपिक है ये, और 3 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने क्यू लिखा हुआ है और वाई लिखा हुआ है। क्यू का मतलब है क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, वाई का मतलब है यहाँ पर कि ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, तो ये चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं क्या चीज़ है ये, क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे साथ पढ़ेंगे, इन द अबव फिगर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज जॉइंट इन सीरीज, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज टेकन इन टू काउंट, सो द ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी टेकन ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इन टू काउंट, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर टेकन एज वी, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज आई, देन बाई ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज बता दी, ये कुछ भी चीज नहीं है। आप लोग यहां पे समझो, यहां पे आप लोग देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है जो कि एक सर्किट में लगा हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है, हमारे पास एक सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक सेल बना हुआ है अपना हमारे पास, मान लीजिए इस तरीके से। अब सेल के अंदर एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस समझते हो, रुकावट, इस तरीके की छोटा सा रेजिस्टेंस हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। किसका बोलते हैं इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक लगा हुआ यहाँ पर बाहर रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या लगा हुआ, रेजिस्टेंस, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बाहरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अंदर हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इंटरनल की कम होती है। इंटरनल को आप लोग बहुत बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, नेग्लेक्ट करने का मतलब समझते हो कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बस इतनी सी बात है।
तो अब हमारे पास एक डिफरेंस आता है कि ये ईएमएफ क्या चीज है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या चीज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप लोग दो पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ये और ये। अब इनको पॉइंट ना बोल के हम लोग क्या बोलें, टर्मिनल बोले, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टर्मिनल बोलेंगे। तो टर्मिनल ए टर्मिनल बी, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, उससे हम लोग ईएमएफ भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि दोनों बोल सकते हैं, तो फिर आपने इनमें डिफरेंस क्यों लिखा? डिफरेंस इसलिए लिखा कि जब आप लोग आर को काउंट करते हो, जब आप लोग आर को काउंट करते हो, तो आपको ईएमएफ वाली टर्म यूज करनी पड़ेगी, और जब आप लोग इसमें आप इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हो, तब आप लोग इसे आसानी से क्या बोल सकते हो, आप लोग इसे आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। तो जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस गेम में आता है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो उसे, कि यहां पर हम लोग वोल्टेज टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पर ईएमएफ टर्म यूज करेंगे। आई बात समझ में? इतनी सी बात वहां पे लिखी हुई थी और यही आपको समझा दिया। अभी देखो आप लोग, आप एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ। इन द अबव फिगर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज जॉइन इन सीरीज, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज टेकन इन टू काउंट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग काउंट करेंगे, सो द ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी टेकन एज ई। अगर हम लोग आई आर को काउंट करेंगे, इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। और एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इन टू काउंट, अगर इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसे हम लोग सिंपल सा क्या बोलेंगे, इसे सिंपल सा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अगर आपसे 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, 3 नंबर में जैसा भी आया यहाँ से, तो अब आप लोग समझ गए हो किस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ओके, तो यही एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही होता है। बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट आर एंड टेकन एज वी, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आई एंड एंड बाय द ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर। ये चीज यहाँ पे होती है। ओके, ये चीज यहाँ पे होती है। तो इतनी बात हमें समझ में आई, ठीक है। आई यहाँ पर सर्किट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आई यहाँ पर भाई सॉरी यार क्या बोल रहे हैं हम, आई यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जरा देखिए डायग्राम वहां पर। तो आप लोग खुद समझदार हो यार, हमने जब सेल लगा रखा है, तो सेल से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव से जाएगा। तो सेल की जो करंट की डायरेक्शन है, वो आप लोग इस तरीके से बनाना, बाहर एक रेजिस्टेंस हमारे पास लगा हुआ है। तो फटाफट अब इसको फिनिश कर लेते हैं, कोई तो बड़ी चीज नहीं है इसमें, देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो आई हमारे पास, अगर हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं, तो हमारे जो ओम भाई साहब हैं, उनके हिसाब से क्या बोला गया है, वी इज इक्वल टू होता है आई आर। तो यहां पर से हम लोग वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और यहाँ पर आई की जगह पर आई लिख सकते हैं, और आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, छोटा सा आर प्लस बड़ा सा आर, ठीक है। क्योंकि आर क्या है, हमारे पास दो आर है यहाँ पर, स्मॉल और कैपिटल आर। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने अपना जो सेटअप है वो डिजाइन कर लिया। ये कौन है भाई साहब, प्रजापत जी, ये तो हमेशा ही लेट आते हैं। चलो ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको आपको बनाना है, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, E अपॉन आर प्लस आर, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, बस बात खत्म। अब आगे देखो, तो ये हमारे पास इक्वेशन वन बन गई, ज्यादा पछने वाली बात ही नहीं है इसमें यार। अगर मान लो हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, एक बार काउंट नहीं करते हैं, अगर काउंट नहीं करेंगे, तो सिंपल सा वी इजिकल्स टू आई आर, तो यहाँ से आई निकाल लो, आई इजिकल्स टू वी बाई आर, ये दो इक्वेशन हमारी बनी। देखो बहुत शॉर्ट में करवा देंगे आपको आखिरी में। इसके बाद यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, ये हो गया ए इज इक्वल्स टू आर प्लस आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, बस कहानी खत्म। अब आपको बस मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पर, और आपको अरेंज कर लेना है इनको एक सेटअप में। तो ये जो आर होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमने बात समझी। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इन दोनों को एक तरफ ले आओ, यहाँ पर वी आर बचेगा हमारे पास। अब यहाँ से आर कॉमन ले लो, ये आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ई माइनस वी बचा। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से जो वी है इसको अपॉन में ले जाओ, तो इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। और क्या कर सकते हो आप लोग, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो वी है, वी को हम लोग अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पर भी वी हो जाएगा, यहाँ पर भी वी हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी। अब क्या कर सकते हो, अब आप आखिरी में लास्ट स्टेप ये करो कि ये वी से वी कैंसिल, यहाँ पर -1 बच जाएगा, खत्म कहानी। यही आपका रिलेशन, कि इन दोनों में इस तरीके से रिलेशन बता सकते हो। किस किस में रिलेशन बताया हमने, चार चीजों में, ईएमएफ, वोल्टेज, आर और स्मॉल आर, खत्म कहानी। अब हम लोग इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है, खासकर न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, आज क्लास हमारी न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा रहेगी।
तो आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी निकालेंगे, शॉर्ट नोट लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन, लिख रहो आप लोग, स्टार्ट कर दो, रिलेशन बिटवीन ई वी आर एंड आर, ठीक है, ई वी आर एंड आर, आर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके, ये रहेगी। अभी आपको चीजें नोट करवा देंगे, लेकिन पहले आप लोग क्या करो, ये चीज लिख लो, रिलेशन रिलेशन ई वी आर आर, ये लिखा आपने। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देते हैं आपको, कि ये चीज आपके बाद में क्लियर हो जाएगी। तो ये लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, ये चीज नोट कर लेना। इफ आप लोग यहां समझ जाओगे, आर काउंट स्मॉल हाउस आर काउंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। इफ आर नोट काउंट, नोट काउंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। तो ये दो लाइन आप लोग शॉर्ट में लिख लो, इससे आप लोग समझ जाओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग ई की जगह पर ई एम एफ भी लिख सकते हो पूरा, ठीक है, ई एम एफ, तो दोनों चीजें एक ही है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको ई लिखेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो जो मेन चीज़ है वो यहीं पर है, इतने में खत्म हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहीं पर हम लोग फटाफट लिखवा देते हैं आपको। तो देखिए, तो इक्वेशन वन क्या बनेगी हमारी, कि वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा आई, और आर की जगह पर हम लिखेंगे आर प्लस आर, इक्वेशन वन। तो इसको हम लोग आई की टर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, सॉरी ई अपॉन आर प्लस आर, और यहाँ पे हो जाएगा ई, ये बन गई इक्वेशन वन। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। इक्वेशन सेकंड तो आप लोग यहीं से बना दो यार, एक काम करो, वी अपॉन आर कर दो, या फिर ऐसे ही कर लो, यहीं पर लिख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर इक्वल्स टू आई। अब दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई आर इक्वल्स टू वी आर प्लस वी आर, ठीक है, इतना करो। इतना करने के बाद यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। अब इसके बाद तो आपको सिर्फ अरेंजमेंट करनी है, कि पहले तो आर आर और आर दोनों कॉमन है, तो एक जगह ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ई आर माइनस वी आर इक्वल्स टू वी आर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनाना है वी आर, ये इसकी बेस में नहीं है वी आर। तो फिर यहाँ पर आर निकालना आपको, यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस वी, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वी आर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वी ले जाना, क्यों ले जाना, क्योंकि हमें यहाँ से कैंसिल करना है, इसको यहाँ पे ले जाओ, और ये दो जो दो स्टेप है ये लिख दो यहाँ पर, और जब तक हम लोग क्या करते हैं, इनको एंटर करते हैं क्लास में। लिखो आप लोग फटाफट, फिर आपके माइक ऑन करने की परमिशन देंगे। देवांशु क्या हो गया, क्यों फिर एड्रेस से करके समझा रखे हो, दो फिर से सर। समझा कुछ दो, नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस यही तो चीज है। हाँ, मुझे नहीं तो आया सर, आप इसे समझा दो थोड़ा सा। चलो समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर्किट के अंदर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, या फिर सेल बोल सकते हैं हम लोग, छोटा सा सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये सेल, ये बैटरी के अंदर इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसके हम लोग बोलते हैं कि जब बैटरी वगैरह सेल वगैरह होता है, तो हमारे पास छोटा सा बैटरी के अंदर या फिर सेल के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आर, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ बहेगा हमारा करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ पर एक बाहर भी एक क्या लगा लो, रेजिस्टेंस लगा लो आर। अब मैंने आपसे ये बोला कि अगर आपको ईएमएफ बोलना है, तो ईएमएफ यहाँ पे लिखा आएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जब काउंट होता है तो हम लिखते हैं ईएमएफ। और अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, कि ई को हटा के भाई साहब वी बोलो, और आर को भी जाने दो, आर को भी मारो मारो गोली, बस इतनी सी बात है। अब इसके हिसाब से हम लोग लगा देंगे अपना ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, बस बात खत्म। आई बात समझ में, अब तो कर लोगे पीयूष, बताओ, पीयूष नाम हाँ है ना सर, कर आपका, लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी अपने नोट्स बनाते चलो। नोट्स बनाते चलो, बस इतनी सी बात है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ओम्स लॉ काम आएगा, ओम्स सर, लॉ। अगर सर मतलब एम्पियर मीटर को सर सीरीज में लगाएंगे या सर पैरेलल में लगाएंगे? क्या बोल रहे हो, एम्पियर मीटर, यहाँ पे एम्पियर मीटर कहाँ से आ गया, सर वो कंफ्यूजन थी सर, अभी पढ़ रहा था सर, बस इसलिए। समझाएंगे आपको, ठीक है।
काफी वीडियो रिकॉर्ड देख लेना, वहाँ पे जो भी टॉपिक है वहाँ पे देख लेना। आज थोड़ा सा क्लास में ऐसा है कि न्यूमेरिकल करवाना है, 22 मिनट पहले ही हो चुकी है, तो ये ओके सर, है ना। ओके सर, चलो ओके सर। कोई बात नहीं। हाँ तो ये चीज़ थी जो कि हमने समझ ली। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया, अब इसी के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आपसे हर एक बात बता रखी है हमने कि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि क्लास में टाइम पास करवाया जा रहा है। अभी देखो आप लोग, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कितना फ़ायदा होता है न्यूमेरिकल, फोड़ दोगे ऐसे ही आप लोग। देखो अब आप लोग, पहले तो एक काम करते हैं, क्लास को इस यहाँ से मूव करके इसको स्टॉप करते हैं और हम लोग मूव करवा देते हैं क्लास को यहाँ पर। यहाँ पर नहीं, हाँ चलो यहीं पर करवा देते हैं। ये रहा कंप्लीट स्क्रीन आपको दिखेगी। लो किसी ने एंट्री मारी है, दीपक गेमर। तो कहाँ गए हम लोग, ये रहे। तो ये रहे हमारे पास न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल के बारे में देखना है कि कहाँ से न्यूमेरिकल बनाते हो आप, तो ये सारी चीज़ वहाँ लिखी हुई है। अब ये चीज़ आपके ऊपर, ये पढ़ना, आप लोग आराम से न्यूमेरिकल दे रखें, लेकिन हमारा काम आज का ये है कि जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाएं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 2 के साथ, वहाँ से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 नंबर में न्यूमेरिकल बन सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और आ सकता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर से न्यूमेरिकल बन सकता है। देखिए कैपेसिटर, तो कहा ये जा रहा है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 μF, 4 μF, 8 μF आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन ईच केस। तो अगर आपके पास 2 μF, 4 μF, 8 μF के आपके पास क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, या फिर उनकी कैपेसिटी ये है, तो कैपेसिटर आपके पास 3 लगे हुए हैं, उनकी कैपेसिटी आपको दे रखी है। अब आपको यूनिट से घबराना नहीं है, माइक्रोफरड जो दे रखी है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो नंबर से मतलब है। एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आपको हम लोग फॉर्मूले बता देते हैं, या देखो हमने लिख रखा है गिवन डेट, हमको ये चीज़ दे रखी है, इनसे हमें मतलब है। बाकी अब आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये इनके फॉर्मूले होते हैं, ज़रा ट्राई करके देख लो, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, पैरेलल का तो हर कोई बता देगा। पैरेलल में ध्यान रखना, पैरेलल में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग और सीरीज में ऐसे लिखते हैं, कन्फ्यूज मत होना। रेजिस्टेंस वाला जो होता है, रेजिस्टेंस वाला उसमें उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। सीरीज में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पैरेलल में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला देखो, ये रहा फॉर्मूला 1/c। हम लोगों को टोटल बताना है कि टोटल कितना होगा, तो फॉर्मूला ये रहा, इसमें टोटल फॉर्मूला ये रहा पैरेलल के केस में। तो इसको बिना देखे सॉल्व कर लो एक बार, फिर आपको बताते हैं आप लोग गलती कहाँ पे कर सकते हो। जरा बिना देखे सॉल्व करना, तब आपको गलती पता चलेगी। अगर यहाँ पे बस देखते देख देख के करोगे ना, तो गलती समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो, क्वेश्चन क्या देखो, हम तो आपको डायरेक्ट ये दिखा देते ना, गिवन डेट क्या देख, क्या क्या दे रखा है। C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 दे रखा है, बस यही चीज वहां पे लिखी हुई है। सर पैरेलल का सर ये फुल फॉर्म म्यू, क्या है? सर ये म्यू एफ क्या है? म्यू ये है यूनिट है, ये यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। आपसे यही तो बोला था स्टार्टिंग में, यूनिट पे घबरा, यूनिट मत देखो आप, यूनिट तो आखिर में हम लोग लिख देंगे। सर पैरेलल का 40 μF और सीरीज का 88/7। ठीक है, काफ़ी अच्छा किया आपने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको फिर भी हम बताएंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अगर आपसे सीरीज का बोले और कैपेसिटर का बोले, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता ना तो उल्टा हो जाता। कैपेसिटर के, यहाँ पर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल सा बनेगा 1/C। अब जितने दे रखें, C1 + C2 + 1/C3, अगर ज़्यादा दे रखे होते तो वो भी हम लोग ऐड कर देते। आई बात समझ में? अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 1/C, 1/2, 1/4, 1/8। ये कैसे आया, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें, नीचे की 8 आ जाएगा एलसीएम। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो आएगा 7/8। तो अब बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और लिख देंगे ये हमारा आंसर हो गया, नहीं ये गलत आंसर है। आंसर ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 1/C की वैल्यू आई है और आपको चाहिए सी की वैल्यू, तो आप इसको उल्टा कर दो। अगर इसको उल्टा करोगे तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 8/7। आई बात समझ में? और अब यूनिट जो भी है वो लिख दो, म्यू एफ, ये इसकी यूनिट होती है। बस कहानी खत्म। अब पैरेलल का तो भैया इसमें तो क्या मैथ्स लगाना ही नहीं है, इसमें तो क्या है, छोटा सा बच्चा कर देगा, उसको बता दो कि ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, तो वो खुद कर देगा। सर 8, 4 सीरीज और में दो पॉइंट में आंसर देना है क्या? नहीं देना है, ये काफी है इतना। 2 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या चीज करोगे, इतने में समझ जाएगा समझने वाला, ठीक है। इतना कर दो, इतना काफी है, 8/7 करोगे, सही है। सर म्यू की जगह अपन वैल्यू तो डाल सकते हैं म्यू की। रहने दो ना, उन्होंने कहाँ डाली वैल्यू, उन्होंने उन्होंने आंसर इसमें मांगा हमसे, तो हम इसी में देंगे ना, हम एक्स्ट्रा क्यों चले।
ओके, चलो सिंपल सा ओके था, सर। कर लिया आप लोगों ने। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग मेन नोट्स में नोट मत करना, क्योंकि ये तो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, ये तो प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, इसमें क्या चीज़ है। बाकी अगला वाला देखो, ये भी आपके लिए आ सकता है, इस तरीके का भी आपके लिए आ सकता है। अब एक बात ध्यान रखो, अब आप सोचो कि यही न्यूमेरिकल आपके लिए आ जाएगा, वैल्यू चेंज कर देंगे वो लोग, यहाँ पर 2 μF, 4 μF, 8 μF की जगह पर कुछ और आ सकता है, तो कर लेना आप लोग, ठीक है। पैरेलल तो ले आओगे एक नंबर, तो यहाँ पर बाकी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। अगर ऐसा सर्किट बना के आपको दे दे तब भी आपको आना चाहिए, क्या करना है आपको अगर इस प्रकार का सर्किट दे दे, तो कोशिश ये करना कि पहले इसको निपटा लो, इसको निपटा लो इतने इतने एरिया को। तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पर पैरेलल लगा दो, तो इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दो और दो कितने होते हैं, पैरेलल में हम लोग ऐड कर देते हैं तो दो और दो कितने होते हैं, चार होते हैं, तो इसको डायरेक्ट सिंपल सा ऐसा बना लो। अब ये किसमें बन गया, सीरीज में। अब यहाँ पर सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे आप लोग सभी, डायरेक्ट अपनी जो रफ कॉपी है, सेकंड वाली रफ कॉपी जो आपसे बोली है कि वहां पर बस रद्दी ले लो आप लोग, उसमें सॉल्व करो और उसका आंसर बताओ क्या आ रहा है आपके पास। सर एक बार और समझाएंगे। सर 4/5, देखो सर 4/5, ठीक है, 4/5, 4/5 एक कॉमन आंसर हमारे पास आया, 4/5। अगर इसके अलावा किसी का आए तो बोलना, तब तक हम ही समझाते हैं क्या हुआ यहाँ पर। हाँ, तो हमारे पास ये चीज पहले से दे रखी है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, एक लाइन खींच देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम लोग लाइन खींच दे, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। किसी का माइक, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर तो ये चीज है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इजी है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल को पहले सॉल्व कर लेंगे तो फिर सीरीज में बन जाएगा हमारे पास। तो जरा देखिए, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब भी आता है हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो दो और दो कितना होता है, चार। तो इसको हमने शॉर्ट में ऐसा बना लिया, सर अब ये फोर पूरा बाय बन गया फाइव आ सीरीज में। रहा है सर। हाँ, तो कॉमन आ रहा है, तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन गया, इसके बाद हमें क्या लगाना है, सीरीज लगा देना है। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का होता है, 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C3। वैल्यू रखी हमने, तो हमारे पास आएगा 4/5। और अगर आप लोग इसको, कोई किसी ने पूछा था ना कि आप लोग इसको पॉइंट में भी कर सकते हो, तो पॉइंट में ऐसा कर दो, दोनों सही आंसर है, ठीक है। जब भी तो हमने इक्वल लगाया कि ये इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये चीज़ होती है यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, सर पॉइंट टू भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना नहीं सर। होगी बिल्कुल भी दिक्कत, आपको छोड़ के आ जाना यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पैरेलल एक बार बता दीजिए, पैरेलल वाला। पैरेलल में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पैरेलल में हम लोग सिर्फ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल हमें सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, C1 + C2 + C3। अब हमारे पास पैरेलल में सिर्फ दो है, C1 और C2, तो बस इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद हम लोग इसको सिंपल कर लेंगे, सिंपल ऐसा हो गया, ऐसा करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, डायरेक्ट आंसर देखोगे तो मजे नहीं आएंगे। तो समझो इस चीज़ को, द स्टोरेज बैटरी, देखो पढ़ने का तरीका देखो, मैंने देखा है आप लोगों को, जब आपको क्यूज दी थी हमने वहां पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्यूज आते से फटाक से आंसर दे देते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखा करो, थोड़ा समझा करो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद आप लोग ट्राई करा करो, ठीक है। कोशिश किया करो कि थोड़ा सा समझ लो, कि गलती अपने से ना हो, गलती करोगे बार 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 तो गलती नहीं हो, पाप है। ये देखो, द स्टोरेज बैटरी, बैटरी की बात हो गई यहाँ पर, मतलब बैटरी से रिलेटेड कुछ है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी यहाँ पर आ सकती है। ऑफ अ कार, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF, EMF हमें दे रखा है, मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अगली लाइन में आ गया, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ हो सकता है ये जो बैटरी है, यहाँ से कितना मैक्सिमम करंट निकल सकता है, मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं। तो जरा बताइए, आइडियल कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम करंट की, कि हमारा करंट सबसे ज्यादा कम निकल सकता है, कौन सा ऐसा केस होता है जब हमारे पास जो अपना करंट होगा वो मैक्सिमम हो सकता है। किसको हम लोग जीरो कर दें, किस चीज को हम लोग कुछ हटा दें, किस चीज को हटा दें, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस को जीरो रेजिस्टेंस, कर देंगे सर जब हो जाएगा। हाँ रेजिस्टेंस को जीरो रेजिस्टेंस, कर देंगे जब वेरी गुड, यही चीज हम आपको बताते हैं, तो ये चीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ये देखो आप लोग, तो यहाँ पर EMF हमारे पास दे रखा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अब डायरेक्ट इस पे मत आओ, इस पे जंप मत करो, आप सबसे पहले जाओ अपने ओम भाई साहब के पास, V इक्वल्स टू होता है IR। तो अब कहानी में पूरा चेंज कर लो, कि V की जगह पर लिख लो E, I की जगह पर लिख लो I। अब R को आपको चेंज किस में कर लेना है, R + R में चेंज कर लेना है,
अब जरा इसको सेटअप कर लो अपने हिसाब से, या फिर नहीं भी करोगे डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अब बात आती है कि हमारे पास आर तो है नहीं, तो उन्होंने बोल रखा है ना मैक्सिमम कर लो इसको, मैक्सिमम कर लो मतलब आर को क्या कर दो, जीरो कर दो, तो आर जीरो मतलब इसको बिल्कुल हटा दो, तो बचा हमारे पास क्या इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई इंटू आर। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, उन्होंने क्या पूछा है मैक्सिमम करंट कितना निकाल सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, तो आई निकालना है। तो क्या आई आप लोग हम नहीं निकाल सकते क्या, ई आपके पास दे रखा है, आर आपके पास दे रखा है, चुटकियों में हो जाएगा 120 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 300 एम्पियर, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो, आ गया सभी को समझ में, तो एक काम करें। हाँ तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हो। हाँ बोलो सर, सर यह करे सॉरी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम लेना था तो जीरो क्यों लिया। हाँ अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आई क्या होता है और आर क्या होता है। आई मतलब होता है करंट और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रुकावट रुकावट, करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो उन्होंने हमसे बोला कि मैक्सिमम कर दो, ठीक है तो मैक्सिमम कर दो मतलब रुकावट को हटा दो, बोल सकते हैं हम लोग। तो रुकावट को हम लोग हटा कैसे सकते हैं मैथ्स के फॉर्म में, माइनस नहीं ले सकते हम लोग, जीरो ले लेंगे इसको रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस तो हो नहीं सकता, नहीं तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी कर देंगे, तो हम लोग आर को जीरो कर देंगे। आया समझ में, बताइए आया कि नहीं आया, कि और कुछ समझा इसमें। बस इतनी सी बात है, इसके बाद तो आप खुद समझदार हो क्या क्या चीज करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है अब इसको आप लोग कर लेना अपने हिसाब से, पीडीएफ हम आपको दे देंगे सर, इसके लिए तो पीडीएफ मिल जाएगी ना, मतलब मिल जाएगी। सॉल्व एक काम कर सकते हो, जो आपकी रफ कॉपी है वहां पर नंबर डाल लो कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया था, तो देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, ठीक है इस तरीके से कर लो, तो फिर आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि 1 वाला किया था, बाकी ये चीज नोट करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ तो अगला कर लेते हैं हम लोग, अगला ट्राई करते हैं फिर से, बैटरी EMF I है तो समझ जाओ, अब बार बार आपको हिंट नहीं देनी चाहिए, अब आपके मन में आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, बैटरी और EMF आ गया मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया आपको देखने को मिलेगा, तैयार हो जाइए। शायद अगली लाइन में उन्होंने दे दिया, तो बैटरीज EMF 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम का, ठीक है। इफ द करंट इन द सर्किट सर्किट इज 0.5, आपको करंट भी दे दिया, तो जो जो चीजें आपको दे रखी है उनको लिख लो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया। अब आप लोग खुद समझदार हो कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसको देख लो आप लोग, इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे आपसे आर पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो आपसे आर पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, हमने इसमें एक और चीज ऐड कर दी है, तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, ये हमने मन से ऐड किया है, तो इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो एक चीज तो आप लोग पहले सोल्व कर सकते हो आराम से, इस चीज को हम आपको आगे समझाएंगे कि टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको सर्किट देखना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग यहाँ पर चाहो तो इस तरीके से पूरा कर लेना कंप्लीट, लेकिन अब आप लोग खुद समझदार हो कि हमने ये बना रखा है ये बना रखा है, तो आती बात समझ में, ऐसा कर लो। हाँ तो ये चीज़ है, डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी, वहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देना, हो जाएगा काम आपका। तो वही फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नया हम लोग नहीं करने वाले, आप लोग आराम से आर निकाल सकते हो, ठीक है आर आप लोग निकाल सकते हो। चलो एक काम करो, चलो ठीक है रहने दो, क्या ही निकालोगे उसमें, सारी वैल्यूज़ तो आपको पता है। तो अब बात आती है टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पर हमारे पास वीजी कस्टू आई आर होता है, मीन्स वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को खा जाना, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देना, आपसे बात बोली थी हमने, तो बस यही काम यहाँ पे करना है। तो वीजी कस्टू आई आर करना, और यहाँ पर आपके पास आई की वैल्यू दे रखी है क्या, बिल्कुल आपको क्वेश्चन में दे रखी है आई की वैल्यू, तो ये देखो 0.5 दे रखी है। अब आर तो आपने निकाला है, ये देखो आर आपने यहाँ से निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आए वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 भी हमसे हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमसे हो गया। बोलो सर, टर्मिनल वोल्टेज एक और बार समझा दीजिए। टर्मिनल वोल्टेज जी, सुनो ध्यान से सुनना, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं सर्किट को, तो एक पॉइंट ये बना लो, एक टर्मिनेट करने वाला ये पॉइंट बना लो, दो पॉइंट हो गए हमारे पास ए और बी, है ना, दो पॉइंट हो गए। अब ये चीज तो आपको समझ में आती है कि करंट की डायरेक्शन ये क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये बड़ा वाला है, छोटा सा नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसा घूमेगा करंट हमारा, तो ये चीज़ हमें समझ में आई। अब बात आती है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट के बीच में कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जैसे पानी होता है ना, पानी से, जैसे कि पानी होता है, अगर यहाँ से आपने पानी को छोड़ दो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बोल ले लेते हैं, अगर बोल को यहाँ इस ढलान से आप लोग इसको छोड़ोगे तो वो आराम से यहाँ पर आ जाएगी, कोई दिक्कत बिना कोई सपोर्ट के। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि हमारे पास एक पॉइंट ये होता है एक पॉइंट ये होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है
उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को आप लोग टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हो। इसमें इस छोटी सी चीज का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको निग्लेक्ट कर दो। बाकी V इज इक्वल टू होता है IR, और ये जो V होता है इसी को ये चीज बोली जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो आपके पास I की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और R जो है आपके पास R भी है। आई बात समझ में? ये चीज होती है। R तो आपने अभी निकाला ना इससे, ये यहाँ पर, तो इस तरीके से R निकल जाएगा। आया समझ में? बताओ। नहीं सर, वो आप आगे कहीं समझा रहे थे, वही मिस कर दिया था मैंने। मतलब ये जो आप समझा कहां रहे से मिस थे, हो गया आपका, कहां से मिस हो गया बताओ? मतलब टर्मिनल वोल्टेज जब आप समझा रहे थे, टर्मिनल आप छोड़ वोल्टेज, सकते हो? देखो यहाँ लिखा हमने कोष्टक में, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है मींस वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको ज्यादा समझ में ना आए तो सिंपल सी बात रखो कि आपको जो छोटा सा आर है ना, आर, इसको आपको छोड़ देना है। आर की जो भी वैल्यू है उसको छोड़ दो, बाकी अपना जो सिंपल सा ओम्स लॉ होता है उससे निकाल लो। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो इससे आप लोग निकाल लो, बस इतना सा है। यही होता है टर्मिनल वोल्टेज। आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही समझ सकते हो टर्मिनल वोल्टेज को। अब कर लोगे? ओके सर। हाँ, तो इससे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लो। हमारे पास तीन चीज़ें होती है, या तो उसको समझ लो, ठीक है, अपने हिसाब से समझ लो, या फिर किसी और से समझ लो, और तीसरा तरीका है कि उसका कुछ फॉर्मूला वगैरह पकड़ो और आगे बढ़ो। तो तीन चीज़ों में से, जैसे बोलते हैं ना कि शाम दाम दंड भेद सब लगा लो, तो शाम ना चले तो दाम लगाओ, दाम ना चले तो दंड दो, उसके बाद आखिरी में तो भेद ही सही हमारे पास। भेद से तो आजकल सबका काम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ट्राई करना कि इसको आप लोग खुद करो थोड़ा तो सा अपने रफ कॉपी में। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने छोटा सा वर्ड लिख रखा है, ईजी क्वेश्चन है, तो देख के घबराना मत, क्योंकि इसमें कुछ टर्म ऐसी होगी जो दिखने में खतरनाक होगी। हाँ, तो अ नेग्लिजिबल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। अब कुछ चीज़ें ये क्या करते हैं, ये मन से दे देते हैं हमने को कंफ्यूज करने के लिए। अ नेग्लिजिबल करंट इज पास थ्रू अ वायर, कुछ काम का नहीं है, करंट यहाँ से कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल है, मतलब आप लोग करंट को जीरो मान सकते हो, मतलब करंट का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। वायर की लेंथ हमारे पास 15 मीटर दे रखी है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को एरिया दे रखा है, ए अपने को दे रखा है कितना, 6.0 या फिर 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर समझ गए कि ये एरिया है, तो एरिया का जगह ए लिख लो, ए इज इक्वल टू 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाई 5 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, देखो जब तक वो ऐसा ना बोले, इंटरनल ना लगाए, तब तक अपने दिमाग से खुरापति आइडिया मत लगाना, छोटा आर मत बनाना, आर ही बनाना। ओके, ये देखो ये 5, तो 5 ये क्या दे रखा है हमें, 5 हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो उसके आगे ओम लगा लो, ओम का सिंबल, ऐसा ना बने तो OHM लिख देना, ओम बन जाएगा। तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, देखो यहाँ पर उन्होंने आके बात बताई, रेजिस्टिविटी क्या होगी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हमसे रेजिस्टिविटी पूछी जा रही है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है वो बोल के बताएगा, या फिर रेजिस्टेंस का बोल दो, जिसको जो भी आता है वो बोल दो। सर, R is equals to rho L by A. हाँ, yes. ये चीज बहुत सारे लोगों को आती है, R is equals to rho L by A. ये तो अब इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो, सर, रो. हाँ, तो रो को हम लोग इधर लिख लेते हैं, बाकी सारी चीजों को इधर ले जाते हैं, आर ए अपॉन एल। फटाफट सोल्व करेंगे आप लोग इसे, सोल्व करें आप लोग इसे, बस बन गई सारी चीजें, इसलिए बोला था इजी ही है। तो बाकी लोग सोल्व करेंगे, जिनको रो समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो मेरे साथ देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए हमारे पास मटेरियल, चलो कर लो अभी, बाकी एक साथ ले लेंगे आपका आपसे कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है, आप लोग चेक कर लेना, अभी अभी करके रख लो बस। आप लोग हम एक चीज समझा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, इस तरीके का वायर है, ठीक है, वायर इस तरीके का है, इसका एक सेक्शन होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसको बोलते हैं इसकी लेंथ, ये क्या होती है इसकी लेंथ एल। तो जितना बड़ा वायर होगा उतना ज़्यादा उसमें चांस है कि वो उतनी ज़्यादा रुकावट पैदा करे, ज़्यादा लंबा वायर होगा तो करंट को दिक्कत आएगी बेचारे को, छोटा सा वायर होगा तो फटाक से जाएगा अपना करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे वायर बहुत छोटा होता है हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर मोटा वायर लें जैसे लकड़ी होती है उसका आपको दिखता है ये एरिया, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ए। तो अब ये जो एरिया होता है ये जितना छोटा होगा हम लोग बोल सकते हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे आप लोग ऐसा समझ के चलो कि एक आपके पास एक सर्कल है और आप लोग मान लो यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप क्या है, ये करंट है, करंट हमारा मेन हीरो होता है, रेजिस्टेंस तो विलन होता है ना, आई है हमारे पास। तो अगर ये गेट जो है, ये सर्कल है, अगर ये बड़ा होगा तो हमारा जो आई है वो आराम से पास हो जाएगा,
आई हमारे पास, आराम से पास हो जाएगा। अगर ये जो एरिया है इसको आप लोग छोटा सा बना दो, तो अब इस भाई साहब को कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल सिसकते सिसकते जाना पड़ेगा, ठीक है, घिसाते हुए इसके अंदर से जाना पड़ेगा, तब भी क्या मालूम निकले ना निकले। तो ऐसी दिक्कत है यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही आसानी से हमारा आई पास हो जाएगा। तो अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस तो विलन है, इसको क्या करेगा ये अपोज करेगा, तो वो बोलेगा हम इसके अपॉन में आ जाएंगे। ये तो इसलिए आता है ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर ये हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और यहाँ पर ये जो रो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट का साइन होता है इसको हम लोग लिखते हैं, रो होता है रजिस्टिविटी। बस ये कहानी होती है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। चलो तो आप लोग आंसर चेक कर लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का आंसर आया होगा आपका, 5 × 6.0 × 10⁻¹⁷, और उसके बाद हमने क्या किया, 5 × 5, 5 × 3 = 15, उसके बाद 3 आया तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, ये कट गया, तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया 2 × 10⁻¹। यहाँ पर आप लोग रो की यूनिट बना सकते हो, अगर किसी ने यूनिट बनाई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो बनाना सीख जाओ, वो भी बहुत सिंपल है। रो इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास आर ए बाई एल, तो आर क्या होता है हमारे पास, इसकी यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ हम लोग मीटर में नापते हैं ना, इस तरीके से 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो इंटू एम। आगे बात समझ में सभी को, ओके। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, लेकिन अभी आप लोग इसे ट्राई ना करें, ठीक है, जो जो चीज़ आपको इजी बतानी थी वो बता देते हैं, क्योंकि अभी हमारा टारगेट यही है कि हम लोग 75 या फिर 80 तक लेके आ जाएं। ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मुश्किल है, इसको बताने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ें अगर आप कोई करना चाहे सॉल्व तो करने की कोशिश करना, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देना आप लोग, हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं 3 स्टार वाले क्वेश्चन के ऊपर। चलो किसी को एंटर कर लेते हैं पहले, तो क्या नाम है इनका, स्ट्रॉन्ग स्टडी मेकर। हाँ तो हम लोग यहाँ पर थे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी प्रकार से भी। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, एक काम करते हैं थोड़ा सा ऐसा लेके आ जाते हैं, ऐसा तो हमको थोड़ा सा आंसर नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा, ये तो बार बार आंसर की तरफ दिमाग जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ पोटेंशियो मीटर अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 V गिवन अ बैलेंस पॉइंट एट 35.0 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 6.0 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल। ये हमसे पूछा जा रहा है, किसी का माइक ऑन है क्या, ऑफ कर लो भैया, अभी जो नए नए स्टूडेंट आए हैं उनका माइक देखो आप लोग, आपका माइक ऑन है तो ऑफ करो उसे। तो देखिए वैसे तो ये पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक है एक तरीके से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो न्यूमेरिकल है ये आया हुआ है, एक बार और रिड्यूस हुआ था शायद 2013-14 में ये टॉपिक रिड्यूस हुआ था, लेकिन फिर भी वहां से न्यूमेरिकल दिया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका न्यूमेरिकल देने का सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है जो कि आसानी से सब लोग कर देते हैं। आप लोग क्या समझे इसमें से, आप लोगों के लिए दो हमने हाईलाइटेड कीवर्ड्स कर रखे हैं, एक सेल है एक अनादर सेल है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियोमीटर आए, पोटेंशियोमीटर अगर आपके पास आए तो सिंपल सा फॉर्मूला है E1/E2 L1/L2। आपके पास E1 और E2 क्या है, EMF है, आपके पास E1 और E2 EMF है। E1 क्या है, एक एक सेल का, और E2 हमारे पास दूसरे सेल का, दो सेल हमारे पास लगे हुए हैं। इसके अलावा इस EMF यहाँ पर जो हम लोग लगा रहे हैं इसके लिए बैलेंस पॉइंट या फिर हम लोग लेंथ बोल सकते हैं वो कितनी है, इसकी लेंथ ये है और इसकी लेंथ हमसे पूछी है, ठीक है, व्हाट इज द EMF ऑफ द, अच्छा हमसे EMF पूछा है, अनदर सेल का हमसे EMF पूछा है, तो मतलब हमें लेंथ दे रखी होगी, तो ये हमको दे रखी है। यहाँ पर हमें एल दे रखा है, यहाँ पर भी एल दे रखा है, इसको बोलते हैं L1 दे रखा है, यहाँ पर L2 दे रखा है, E1 L1 इसका दोनों को दे रखा है, यहाँ पर E2 दे रखा है, तो आपको ये निकालना है, तो बस ये निकाल लो, ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है, तो ये चीज़ आपको निकालनी रहेगी। ओके तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपके लिए हमने शॉर्ट में लिख रखा है कि सेल ए हमारे पास, उसका ईएमएफ ये है, L2 ये, L1 ये है, और E2 हमारे पास है, इसको क्वेश्चन मार्क करो, L2 इसकी ये दे रखी है। हाँ सर 2.2 आंसर इसका, 2.22। चलो देखते हैं, करके देखेंगे सॉल्व इसे, सबको कर लेना थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। 0.69 है क्या सर इसका आंसर, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स टू नाइन चलो आंसर देखते फाइव हैं, टू
2.25, 0.6, और क्या बोला आपने, और किसी ने 0.2 भी हमारे पास आंसर आए हैं। ये मैथ्स है पूरा, मैथ्स तो ऐसा कोई याद तो रहता नहीं है किसी को भी, तो सॉल्व करके देख लेंगे क्या हो गया उसमें। तो आंसर्स देखिए आप लोग, 2.25 आ रहे हैं किसी का, किसी का 0.6 आ रहा है, किसी का 0.2 आ रहा है। टाइम है, करो सॉल्व, बहुत सिंपल चीज है, E2 आपको निकालना है। चलिए पहले आप लोग ये बताइए, किसी को स्क्रीन ऐसा कोई है जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? आवाज तो आ रही होगी आप सभी को? स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर? ठीक है सर, हो रही है स्क्रीन शो प्रॉपर। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब आप लोग चेक कर लीजिए आंसर क्या है आपके पास। तो 2.25 वाला हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा मैथ से यहाँ पे लगा था लेकिन आखिरी में 2.25 आया। इसका 9/4 आया है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और आखिरी में वोल्ट लगा देना, क्योंकि EMF क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो आप लोग वी लगा देना छोटा सा। अगर आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखो वी लगा हुआ है कि ये EMF था, तो यहाँ पे वी लगा हुआ है, तो आप लोग भी वी लगा दिया करो। सर 2.2 भी तो सही है ना सर, अप्रोक्स में? हाँ बिल्कुल दिक्कत सही नहीं है, है सर। लेकिन अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग अगर ऐसा ना करो तो आप लोग 9.9/4 करो, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये चीज हमारे पास थी। क्या हो गया? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, पहले तो इनका माइक ऑफ करना पड़ेगा हमें। जो नए स्टूडेंट आते हैं सुन लिया करो, पहले जो नए स्टूडेंट आते हैं वो चेक कर लिया करो कि आपका माइक ऑन तो नहीं है, ऑफ कर लिया करो, ऐसी चीज़ आपको बार बार बतानी पड़ती है। इसके बाद हमारे पास, चलो छोड़ो यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास ज़्यादा। ये यहाँ पर हमारे पास सेल का है, बैलेंस सेल का, छोड़ो इसे। बाकी जो स्टूडेंट करना चाहें वो सॉल्व कर लेना, पूरी PDF इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले तो वो जो चीज़ें दे रखी है उनको लिख लेना है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, उसको आप लोग अप्लाई करना है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है ये क्वेश्चन आपके लिए आता है, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसमें से ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ दैट मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज 1.70 एंड इंटू 10^-14 कूलम इनवर्स। पहले एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर उन्हें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद उन्हें दे रखा है द रजिस्टेंस ऑफ आ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रजिस्टेंस एट टी, या फिर टी, टी हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर, आप लोग यहाँ पर टी की जगह यहाँ पर टी लिख लेना, रूम टेम्परेचर हमारे पास टी है, तो टी के ऊपर हमारे पास आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 ओम दे रखी है। कि इतना खतरनाक इन्होंने क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब आप खुद सोचो, अगर इतना लगा रखा है तो फिर टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए वो हीट होगा, समझ रहे हो, इतना सारा इतना खतरनाक उन्होंने क्या लगा रखा है, रजिस्टर लगा रखा है, इस वजह से हीटिंग आएगी, करंट अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो पाएगा, एक जगह रुक जाएगा तो हीट होगा वो, और क्या, ऐसी बात उन्होंने बता रखी है। वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, गिवन दैट द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर्स इज ये। आपसे ये पूछा कि चलो आपने इसके ऊपर ये चीज़ हमने दे दी, तो अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम लोग इस रजिस्टेंस को बढ़ा के कितना कर दें, 117 कर दें, तो उस समय हमारे पास टेम्परेचर कितना आएगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास टेम्परेचर कॉफिशियंट दे रखा है अल्फा 1.70 × 10^-4 कूलम इनवर्स, ये हमारे पास क्या दे रखा है, टेम्परेचर कॉफिशियंट दे रखा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कॉफिशियंट का, कि अल्फा इक्वल्स टू R1 - R, R कोष्टक में आता है हमारे पास T1 - T2, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ सकता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो चीज़ें दे रखी है वो दे रखी है क्या क्या, हमारे पास एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है हमने स्टार्टिंग में माना था, और एक टेम्परेचर दे रखा है।
ठीक है, ये दो चीज़ हमारे पास दे रखी है। इसके बाद हमारे पास ये भी दे रखा है, मतलब ये भी आ रही है, तो ये चीज़ हमारे चीज़ दे रखी है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है कि हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो 117 का लगा दिया हमने, 100 से बढ़ा के 117 कर दिया, तो ये भी हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इसको भी हमें दे इसको ये भी हमको दे रखा है। और हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, टेम्परेचर पूछा जा रहा है। क्या ये चीज़ भी हमारे पास दे रखी है? बिल्कुल, ये चीज़ भी उन्होंने दे दी है। तो अब बताइए क्या ये चीज़ हम लोग नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसको पहले अरेंज कर लो। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, पहले फॉर्मूला को अरेंज कर लो ताकि अपना जो चीज़ें हैं वो ईजी हो सर, जाए। क्या हो गया? ये समझ में नहीं आ रहा सर टॉपिक अल्फा, देखो अभी एक हम बार उनको फिर से कंप्लीट कर लेने समझा दो, दो। उसके बाद समझाएंगे आपको। एक ओके बार सर, कंप्लीट हो जाए उसके बाद समझा देंगे। अब देखो, देखो सिंपल सी कहानी ये है, आपको फिर से थोड़ा बता देते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस था 100 ओम का। उन्होंने बोल दिया कि अगर इतना आपके पास रेजिस्टेंस है, इतना खतरनाक आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, ओम की इसकी यूनिट होती है, उन्होंने बोला कि भैया आपका जो जो भी बल्ब वगैरह है या फिर जो भी वायर है वो हीटिंग हीट होगा। ठीक है, हीट होगा मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो हीट होगा। उन्होंने टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ उन्होंने दे दी। अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, रजिस्टेंस आपके पास 100 था तो इतना हुआ, अगर रजिस्टेंस आपके पास 117 ओम हुआ तो बताओ टी कितना होगा। ओके, और अब आपके पास ये जो दो चीज़ें आती है, तो हमें एक फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, ये वाला। ये आपको अभी बताया नहीं है तो आपसे बोला कि याद कर लेना, सबके लिए नया चीज़ है ये, घबराने वाली बात थोड़ी ना, सबके लिए नया ये सर फॉर्मूला। ये मैं पता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होगी अभी सुन लो पहले, फिर हम लोग भूल जाएंगे यहाँ पर कि जो चीज़ें हैं वो बताना है, नहीं तो फिर वापस स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा हमें। इसलिए पहले सुन लिया करो, आंसर फिनिश हो जाने दिया करो, उसके बाद डाउट पूछा करो। तो हमारे पास अल्फा का जो अल्फा जो होता है टेम्परेचर कॉफिशियंट, तो ये भी हमें दे रखा होगा, सामने वाला अपने को ये भी दे देगा। तो ये जो होगा इसको हम लोग रखना है R1 - R / R T1 - T2, या T1 - T, या फिर अगर आपको ऐसा करना है, वैसे ये सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप लोग ऐसा कन्फ्यूज हो रहे हो तो इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R1, फिर आपको इसको भी R1 बोलना पड़ेगा, यहाँ पर T2 T1, ऐसा भी सही है, फॉर्मूला अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन सिंपल तरीका यही है कि इसको एक को बोलो R, एक को बोलो R1। आई बात समझ में? ऐसा बोलने से क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये चीज़ रहेगी, बाकी फाइनल क्या करना आपको, आपको फिर वैल्यू निकालनी है। तो टी आपके पास है, ये आपको निकालना है। अच्छा, T2 T1 निकालना है हमें, T1 निकालना है, बाकी ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये बस इस तरीके से करना है। कर लेंगे आप लोग, जरा बताइए, करिए जरा, क्या आता है आपका अप्रोक्स सर आंसर? 1027। 1027, चलो नोट करते चलते हैं, 1027। और बोलिए, चलो ये सही यही आ रहा, टेम्परेचर 1027 डिग्री सर। सही यही है, सही यही है। 1027, आ रहा है ओके। चलिए तो लगभग फटाफट फिनिश करते हैं यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। ये आपके पास टेम्परेचर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल सही है, ये आ गया आपके पास टेम्परेचर। तो ये चीज़ें होती है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर इतना हाई पहुंच गया। तो देखा रेजिस्टेंस का ये कितना नुकसान कर सकता है, हम जब भी तो बोलते हैं कि ये विलन है रेजिस्टेंस। कुछ लोग बस रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं लेकिन फील नहीं करते कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। हाँ, तो ये रहेगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्या आ सकता है आपके लिए? यूनिट नंबर 3 से दो न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो ये बनता है, क्या बोलते हैं अपना, शंट से एक न्यूमेरिकल बन जाता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाता है लेक्लांचे सेल से। तो यहाँ से न्यूमेरिकल की संख्या अगर बात करें तो 10 साल में सिर्फ एक या फिर दो बार आया है न्यूमेरिकल। तो अगर आप चाहें तो ये दो न्यूमेरिकल लगा लेना, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2018 में आया था ये, बाकी यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आते, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, इससे लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसे छोड़ दो। आगे बात करते हैं EMI एंड SE। यहाँ से न्यूमेरिकल, अब कॉन्सेप्ट समझना समझना, MP बोर्ड ने इस बार क्या किया है, MP बोर्ड ने सेट में अपने जो मॉडल सेट पेपर है वहां पर न्यूमेरिकल दिए हैं इससे रिलेटेड, और ये दोनों न्यूमेरिकल देख रहे हैं आप लोग, ये सेट में दे रखे हैं, और दोनों के दोनों लगभग किससे रिलेटेड है, RMS से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ से RMS के लगभग लगभग रिलेटेड है, RMS और वो जो स्टार्टिंग की जो टर्म्स होते हैं हमारे पास उनसे रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल लायक यही चीज है, न्यूमेरिकल लायक यही चीज है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल लायक, तो हम लोग इन्हीं को कर लेंगे, काफी सिंपल है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो वो इनको ऐसे ही कर देता, अगर किसी ने ट्राई किए होंगे तो। चलो देखो, यहाँ पर समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट, पहले काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि आप लोग डायरेक्ट आंसर पे फोकस ना कर पाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो आप लोग। अगर आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ना सीख गए ना, तो मान के चलो कि आप लोग 90% लोगों से पहले ही आगे हो।
क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एमपी बोर्ड में ऐसे होते हैं कि बस क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, अरे ये क्वेश्चन चलो छोड़ो, नीचे वाला और वाला देखो, और वाला क्या दे रखा है, ऐसा करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वहां पर भैया ओम सोलो ही पूछ लिया उन्होंने, तो थोड़ा देख क्या करो। हाँ, तो हमारे पास जो चीजें दे रखी है उनको देखेंगे हम लोग। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू आ 200 वोल्ट 500 हर्ट्ज एसी सप्लाई। जो चीजें दे रखी है उसको हम लोग गिवन डेट करके लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, आई आरएमएस हमसे पूछा जा रहा है। याद है सुबह वाली क्लास में इसके ऊपर थोड़ी सी बात करी थी हमने, ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके छोड़ो इसको, एक चीज तो हमसे ये पूछी है, इसको लिख लेते हैं ए। बी क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ साइकिल। नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ साइकिल, तो पावर हमसे पूछी है, ठीक है। नेट पावर मतलब पावर, नेट पावर आप लोग चाहो तो पी नेट। तो ये चीजें हमें पता है, ये चीजें हमें दे रखी है, मतलब ये चीजें हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए हम लोग पहले तो वो जो गिवन डेट है वो चाहो तो लिख लेना, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, शॉर्ट में सारी चीज कर दी है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इसको लिखो आर। और क्या देखा है, वी हमारे पास दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, वी दे रखा है। अच्छा यहाँ पर कुछ हमने गलती करी है क्या, कि 100 आर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू आर 200 वोल्ट एंड 500 वोल्ट एच जी एस सी, वट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सप्लाई, वट इज द पावर ऑफ इट। शायद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 220 होगा, ठीक है, यहाँ पर 220 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 220 लिखा है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 220 आएगा। ओके, तो हो जाती है कभी गलतियाँ, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो अब देखो हमारे पास एक तरीके से वी भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, ठीक है। ये जो चीजें उन्होंने दे रखी है, उन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास रेजिस्टेंस ये है और हमारे पास जो वोल्टेज है उसके पास ये दे रखा है। तो अगर हमारे पास आई आर एम एस निकालना है तो हम लोग इसमें इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे अपना, ओम्स लॉ वाला, वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर। तो अगर ये हमारे पास आई आर एम एस है तो ये हमारे पास आर एम एस हो जाएगा, ठीक है। हमारे घरों में जो करंट आता है ना, एसी करंट, वो एक्चुअल में ये वाला आता है, आई आर एम एस वाला, आर एम एस वाला। ओके, तो इसी को अपने को करना है, वी अपॉन क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें आई निकालना है, तो इसके अपॉन में आर को भेज दो, तो बस हो जाएगा काम खत्म। यहाँ से जीरो कैंसिल, फिर यहाँ पे आप लोग डॉट लगा दो, इस तरीके से ये खत्म एक लाइन में। और दूसरी लाइन में हम लोग क्या फिनिश कर देंगे, हम लोग पावर को फिनिश कर देंगे। तो अपने पास जो चीज़ें दे रखी है उसके हिसाब से पावर को फिनिश कर दो। अब पावर के देखो दो तीन फॉर्मूले होते हैं, पावर के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, आपको बताया था ना, पावर के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, तो जिससे चाहो उससे कर दो। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अपना ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो वी स्क्वेयर हमारे पास दे रखा है अपॉन में, ये कैसे आया, ये कैसे आया पता है आपको, ये हमने सुबह वाली क्लास में बताया था, पी इज इक्वल्स टू होता है वी आई, पी इज इक्वल्स टू होता है वी आई। तो बस ऐसे आया हमारे पास, हमने आई की जगह पर क्या रख दिया, आर यूज किया, तो हमें पता है वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो वी की जगह पर ये रख दो, तो रखो यहाँ पर, तो यहाँ पे रखेंगे वी आई आर, तो यहाँ पे रखा हमने। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा, आई को रखना है ना, तो इसको अपन ले जाओ आर के अपॉन में। अच्छा यहाँ से आई हो जाएगा, यहाँ से आर हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर। इस तरीके से आया ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है, इसको रखो और वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। पावर जो होता है उसको वाट में लिखते हैं, ठीक है, कि कितने वाट का बल्ब है, ऐसा बोलते हैं ना, कितने पावर का बल्ब है, तो ये वाट में लिखा जाता है डब्ल्यू। तो ये आपसे हो जाएगा, एक काम करना चाहो तो फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, बस इतना काफ़ी है। अच्छा ये चीज़ हमें समझ में आई। अब ये जो चीज़ें हैं, वैसे तो हमने जो आज क्लास पढ़ाई थी सुबह मॉर्निंग वाली 12 बजे वाली, तो वहां पे आपसे बोला था पी कि वाली स्टेप समझ नहीं आई है, पी कौन सी वाली स्टेप समझ में नहीं आई बताओ, पी वाली, पी के आगे जो हुआ साहिल, अपना नाम बताओ, क्या है नाम आपका। अंसा साहिल। हाँ साहिल, आपने सुबह जो 12 बजे मतलब आफ्टरनून में हमने जो क्लास ली थी वो आपने अटेंड करी थी। नहीं सर, वाली नहीं अटेंड की थी क्लास, देखो अगर वो करते ना तो आज ये मतलब डाउट नहीं आता, क्योंकि वहां पर हमने इसको समझाया था। प्रैक्टिकल था मेरा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी कोई बात नहीं, समझा देंगे, कोई सी बड़ी बात थोड़ी ना है उसमें। तो हम बात ये कर रहे थे कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इंटू आई, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे पी इज इक्वल्स टू, अभी जो आई है ना, आई को आप लोग क्या लिख सकते हो, ओम्स लॉ हमारा होता है वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो आप लोग क्या कर दो, इसको वी अपॉन आर ले आओ, इसको यहाँ पर लिख लो आई, तो आई की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो वी इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन
आर हो जाएगा। बताओ आया समझ में? यस यस बस इतनी सी सर, बात। समझ गया, हाँ हो गया और एक और बात साहिल, एक काम करना, जो रिकॉर्डिंग है अपनी वो देख लेना, है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना। जी इसके जी अलावा अपनी जो क्विज़ है वो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो क्विज़ में भी हमने चीज़ दे रखी है। ओके सर, चलो तो ये रहेगा, बाकी क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई इज। पीक वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 300 वॉट, 300 दे रखी है हमें, 300 वोल्ट बोलना चाहिए। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। तो जब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू दे रखी हो तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला काम करता है ये वाला। अगर मान लो आपको वी आर एम एस निकालना है, तो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला यही होता है जो आपने ऊपर देखा ना, वो तो हर कोई निकाल लेगा। किससे निकाल सकता है? ओम्स लॉ से निकाल सकता है, लेकिन वी आर एम एस का पर्टिकुलर फॉर्मूला यही होता है। एक तो पिक वैल्यू ले लो उसकी, पिक वैल्यू ले लो अपॉन में अंडर रूट टू से डिवाइड कर दो, अंडर रूट टू से डिवाइड कर दो। अगर यहीं पर आर एम एस होता, आर एम एस होता, तो ये कैसे निकालते? पिक वैल्यू निकालते आई की, पिक वैल्यू आप लोग निकालते, उसको अंडर रूट टू से डिवाइड कर देते। तो ये दोनों फॉर्मूला दोनों के दोनों सेम ही हैं, बस उसमें आपको रिस्पेक्टिव चीज़ें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर वी रखना पड़ेगा, यहाँ पर आई रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला होता है, इसलिए बोला था कि न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो, फॉर्मूले आप लोग एक दिन पहले ही पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा काम। बस ये फॉर्मूले थे, कर लोगे? अगला नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए ये, फिर ये देख लो एक बार इसको कैसे करना है, कि 300 के अपॉन में क्या कर दिया, रूट टू से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा। द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पर इन्होंने क्या पूछा है आपको, आर एम एस वैल्यू दे दी। देखो इस बार आपको क्या दे दी इन्होंने, आई आर एम एस वैल्यू दे दी। कितनी दे दी? आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज एसी इज 10 10 एम्पियर, ये आपको दे दी। और आपसे क्या पूछ लिया उन्होंने, पीक वैल्यू बताओ। तो अभी हमने देखा था कि आर एम एस जो होता है वो कैसे निकलता है, सबसे पहले तो आई नोट निकालो, या फिर आई पीक बोल सकते हो आप लोग, आई पीक निकालो, उसका डिवाइड कर दो अंडर रूट टू से। तो अब क्या करोगे, आपको ये निकालना है, आई पीक निकालना है ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई में आप लोग आई आर एम एस लिख लो, कितना है हमारे पास 10, ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप लोग, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ये रहा। बाकी आगे सॉल्व करना है तो फिर रूट रूट को करो आप लोग सॉल्व, बाकी यहाँ पर भी छोड़ोगे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। चलिए तो ये हमारे थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन रे ऑप्टिक्स। समझ में आ रही चीजें बताइए, ये लीजिए, जिसको कुछ कुछ छूट गया हो, कुछ फॉर्मूला वगैरह, तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हो, अपने हिसाब से जूम कर लो। चलो आप लोगों से पूछ लेते हैं, किससे पूछें? पंकज, पंकज माइक ऑन करो, पंकज जयसवाल। यस सर, क्या चलो बताओ आई नोट क्या होता है, सर, आई नोट क्या होता है, आई नोट या फिर आई पीक क्या होता है? आईपी वीडियो आई पीक मतलब होता है करंट जो होता है हमारा, वो होता है एसी करंट। तो एसी करंट में जिस समय हमारी जो वेव होगी, जब से हाई पीक पे चली जाएगी, पीक वैल्यू पे चली जाएगी, और उस समय जो करंट होगा उसी को बोलते हैं आई पीक वैल्यू। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ आई पीक आप लोग कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास आरएमएस दे रखा हो तो, आई आरएमएस दे रखा हो तो आप तो लोग आई पीक कैसे निकाल आई आई पी के अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो आई पीक तो आपको टू से। निकालना है ना। आपसे हमने पूछा है कि आई पीक कैसे निकालोगे, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा कि आई पीक कैसे निकालोगे। तो उसमें सर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ आई आर एम इसमें। वेरी गुड, बस यही चीज आपको बतानी थी। अच्छा पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला हमारा। तो पावर वी इनटू आई। हाँ वेरी गुड, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखो, सारे फॉर्मूला याद थोड़ी रखना है आपको, एक कोई सा याद कर लो, उसके बाद तो आप लोग वहीं के वहीं डिराइव कर लेना। तो ये चीज हमारी फिनिश हुई, आगे आ जाओ। अब हमारे पास आता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, पहले तो यहीं से बनते थे, 2020 में यहाँ से बना था, 2019 में बना था, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते थे, 3 नंबर में भी आते थे, 2 नंबर में भी आते थे। तो डरने वाली बात नहीं है, समझाते हैं आपको। सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला देख लो क्या होता है, एक होता है लेंस फॉर्मूला, एक होता है मिरर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला या फिर लेंस इक्वेशन जो होती है वो अलग होती है, मिरर फॉर्मूला अलग होता है। ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/b, 1+1/u, ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर हमने सारी चीज दे रखी है कि यू किसे बोलते हैं, बी किसे बोलते हैं, एफ किसे बोलते हैं। यहाँ पर हमने रिलेशन दे रखा है कि आर जो होता है वो डबल होता है किसके, एफ के, एफ के डबल, सर एक आवाज रिलेशन भी नहीं होता आ है। रही, सर आवाज नहीं आ रही है क्या, किसी को भी नहीं आ रही है क्या, आ बताइए। रही है सर, पावर आ आ रही रही है सर, आ रही है सर, हाँ ठीक है,
जब भी हम सोचे कि यार अभी हमने रिचार्ज किया था एक्स्ट्रा, कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी। आ जाओ यहाँ पर, यू वी एफ। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। एफ होता है हमारे पास फोकल लेंथ। ये हमारे पास छोटा सा रिलेशन होता है जो कभी कभी काम आ जाता है, कि आर जो होता है वो टू एफ होता है। आर इसको जो टू एफ होता है। एफ क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। याद है आज हम जो हमने क्विज दी थी उसमें ये चीज़ दी थी हमने आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था, छोटा सा आंसर था जो भी गलत कर दिए थे लोगों ने। हाँ तो वो अपना टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि ये जो फोकल लेंथ है ना, ये हमें दिक्कत देती है। ये चीज़ तो बता रखी है कि यू और वी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, कब ये नेगेटिव होता है कब ये पॉजिटिव होता है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है यू एंड वी मेजर्ड फ्रॉम पोल। मेजर्ड फ्रॉम पोल, यू एंड वी को हमेशा मेजर करेंगे पोल से। ये पोल ले लीजिए, इससे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो हम लोग जाएंगे इस तरफ, और अगर हमारी रे इस तरफ जा रही है तो हम लोग उसको हम लोग लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। मान लो रे इधर जा रही है और हम इस तरफ मेजर करने जा रहे हैं, उल्टा आ गया ना, तो लिखो माइनस यू। इसी तरीके से मान लो आपको वी में, वी भी इस तरीके से जा रहा है, तब आपको लिखना माइनस वी। इस तरीके की कहानी होती है जो कि हमने क्लियर करवाई थी आपको। दिक्कत देता है ये फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दिक्कत देता है, इसका हमने शॉर्टकट बना रखा है बहुत सिंपल सा, कि अगर आपके पास कॉनकेव है तो आप लोग लिखेंगे नेगेटिव, कॉनवेक्स है तो लिखेंगे पॉजिटिव। फोकल लेंथ ध्यान रखना, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर दे रखा है तो नेगेटिव लिखना, कॉनवेक्स दे रखा है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ लेनी है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सारे के सारे इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो आप लोग बस इतनी सी चीज़ पढ़ लो, फॉर्मूला पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये देख लो। कॉनकेव, गुफा हमेशा नेगेटिव होगी। गुफा में कौन जाना चाहेगा? शेर की गुफा में कोई जाना चाहेगा? तो मर के आएगा वो, जिंदा नहीं आएगा। माइनस इसलिए लगाया हमने। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि कॉनकेव हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स हमारा पॉजिटिव। इस तरीके से तो ये बात हो गई हमारे पास। और यू वी की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं ये बता रखा है, और बता देंगे। जिन बच्चों को कुछ डाउट है उसकी चिंता मत करो। चलो सॉल्व करें। एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ये। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, फाइंड द नेचर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। बहुत सारी चीज़ हमसे पूछी हुई है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो सारी चीज़ लगभग आपसे हो जाएगी मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट, ओबीजे लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या दे दिया इन्होंने? कॉन्वेक्स दे दिया, ठीक है। तो यहां से हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आएगा कुछ भी कर लो, क्योंकि यहां पर कोई गुफा नहीं है। गुफा होता तो हम लोग नेगेटिव लगा दें। कॉनकेव नहीं है मतलब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ही लगाएंगे। कॉन्वेक्स है यहाँ पर तो पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ से। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉनकेव गुफा ऐसी बनती है, तो ऐसा लेंस होता है कॉनकेव। पीछे से पॉलिश कर दो इसको, ये आपका कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। अभी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, अगर हमसे लेंस निकल जाए मुंह से तो आप लोग उसे नेग्लेक्ट कर देना, हम लोग मिरर बोल रहे हैं यहाँ पर, मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर। तो ये देखिए कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स कैसा होगा? इसका उल्टा कर दो ऐसा, ठीक है। देखो गुफा ऐसी होती है ना, इस तरीके से खुली हुई, ये तो कॉनकेव ये है, और ये कॉन्वेक्स कैसा होगा? ऐसा होगा। तो अंदर से क्या करेंगे? जिस तरह से पॉलिश कर देंगे इसको, मिरर पीछे से पॉलिश होता है ना, तभी तो हमें अपना चेहरा इस तरफ दिखेगा। हाँ तो ये चीज हो गई, तो ये हमारे पास हो गया। उन्होंने क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो इसके सामने खड़ा कर दिया। अब इसकी इमेज यहाँ पर कहीं पर बनेगी, ठीक है, उसको समझेंगे कि इधर बन रही है, इधर बन रही है, वो हमारे अभी दिक्कत नहीं है। अब हमें ये समझ में आ गया कि 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है। फोकल लेंथ भी उन्होंने दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग फोकल लेंथ बता नहीं सकते कि यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर बता रखी है। वैसे बता सकते हैं 15 सेंटीमीटर है मतलब फोकल लेंथ हमारी कहीं यहाँ पर बनेगी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी? फोकल लेंथ इतनी बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि 10 यहाँ पर है तो 15 इधर ही आएगा, इधर थोड़ी ना आएगा। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ कि जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे बनेगी? इधर बनेगी कि इसके इधर बनेगी? इसके अलावा इधर बनेगी तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी? अगर इधर बनेगी तो ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी? ये हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद हमसे मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी बताया था आपको कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको बता रखा था। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो समझेंगे चीज़ों को एक एक करके। सारी चीज़ आपसे एक बार में नहीं पूछी जाएगी, ओके। तो लेकिन हमने यहाँ पर एक साथ शामिल कर दिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखिए किसको हम लोगों को नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, वो समझेंगे। तो लगाएंगे हम लोग क्या? अपना मिरर फॉर्मूला। जब भी मिरर दिख जाए तो मिरर फॉर्मूला आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपने पास हो गया। इसके अलावा यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पर भैया हम बैठे हैं, इसको मेजर करने चलते हैं, चलो डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास 10।
तो ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारी रे किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी रे हमारी, और हम जा रहे हैं किस तरफ, इस तरफ हम लोग मेजर करने जा रहे हैं, पोल से जाएंगे हम लोग मेजर करने के लिए हमेशा। तो ये हमारे पास जो यू आएगा, यू होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो यू से हम लोग मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। उसके बाद बात करते हैं इमेज की, तो इमेज के आगे आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो चलो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसमें निकालने की, इस फॉर्मूले से निकालने की। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। अच्छा तो अब आप लोग कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, क्योंकि तो ये माइनस है, तो इधर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 5 और 10 का, तो कितना जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग सोल्व करिएगा यहाँ से, क्योंकि हमने शायद डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये कर लेना आप लोग कि 15 है तो इस तरीके से होगा कुछ, और बाद में ये कैंसिल होगा कि हमारे पास वी आ जाएगा कितना, वी हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, वी हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 15 नहीं होगा, यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, 15 दूनी 30, इस तरीके से यहाँ पर 30 आएगा, तब जाके ये करेक्ट होगा। एलसीएम निकालते आता होगा आपको, 15 और 10 का कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 यहाँ पे आएगा, तो 30 के हिसाब से यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 15 × 2, कैंसिल होगा कि हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आएगा 1/6, 1/6 हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/v, तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 6। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, छोटा सा मैथ्स है, जो क्लास 9th का मैथ्स होता है, क्लास 10th का मैथ्स होता है, वो यहाँ पर है, तो वो आप लोग कर लेना। आपको जो फंडा समझाना था वो समझा दिया, तो हमारे पास v आ गया, लेकिन हमसे v नहीं पूछा उन्होंने, v नहीं पूछा है हमसे, हमसे तो उन्होंने क्या पूछा है कि इमेज का नेचर कैसा होगा और इमेज की पोजिशन किधर बनेगी, वो हमसे पूछा है। तो हमारे पास जो v आया वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बहुत घना मतलब होता है, समझिए। वी इज पॉजिटिव मीन्स बियॉन्ड द मिरर एट डिस्टेंस 6। वी इज पॉजिटिव यार, वी इज पॉजिटिव मीन्स बियॉन्ड द मिरर एट डिस्टेंस 6। क्या मतलब हुआ इसका, आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम लोग इसको मेजर करने के लिए कहाँ से गए होंगे, इस तरफ गएंगे। अगर हमारी रे इस तरफ जाएगी तो हम लोग इसके मेजर करने के लिए इस तरफ जाएंगे, क्योंकि रे तो हमारी इस तरफ जा रही है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इधर बनेगा। ठीक है, इस तरफ ये बनेगा, इधर बनेगा, इधर किधर बनेगा, यहाँ पर ये, क्योंकि +6 कब आएगा, अगर इधर बनता तो ये नेगेटिव हो जाता, आई बात समझ में, इधर तो नेगेटिव होता ना, जैसे हमारा यू नेगेटिव हुआ था, तो ये इससे हम समझ गए कि ये इधर ही बनेगा, कुछ भी हो जाए ये इधर ही बनेगा, आई बात समझ में, ये यहां से हम लोग हम समझ गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो वी इज पॉजिटिव मीन्स बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बियॉन्ड बनेगा एट डिस्टेंस 6, एट डिस्टेंस 6, 6 मीटर दूर जाके उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर। समझ में आया, पॉजिटिव से क्या समझे हम लोग, पॉजिटिव से यही समझ में आया कि भैया ये इधर बनेगा, इधर बनता तो नेगेटिव होता ना, ये चीज है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, तो हमें समझ में आ गई, हमने पोजिशन बता दी, पोजिशन क्या रहेगी इसकी। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेचर कैसा रहेगा, तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर। अब जब भी इमेज किसके द्वारा, मिरर के द्वारा इधर बनती है, इस साइड बनती है, तो कैसी बनती है, वो बनती है इरेक्ट और वर्चुअल। इरेक्ट मतलब होता है सीधी सीधी, इस तरीके से, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ था तो इसका भी ऐसा ही मुंह होगा, इस तरफ ये बनेगी। ये कैसे समझ में आया, क्योंकि ये मिरर के इधर बनी है, जो भी इमेज सर मिरर वो के इधर बनती है वो ये तो कैसी बनती है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव थोड़ी ना है। अच्छा है, कॉनकेव है, ओके कॉनवेक्स। कॉनकेव सही बोला आपने, उसको ऐसा कर लेना, उसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, ऐसा कर लेना, इसको ऐसा कर लेना, वो तो बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, उसका रोल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो सही बोला आपने, ये कॉनकेव मिरर, लेकिन वो तो सिर्फ बताने के लिए था, बाकी एक्चुअल डायग्राम अपना ये वाला है, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होना, वो तो सिर्फ बताने के लिए है, बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, या फिर आपको इसको ऐसा लिख सकते हो अपराइट, अपराइट भी इसके लिए वर्ड यूज होता है अपराइट, तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात है, जब भी इधर बनेगी वो सीधी बनेगी, और सीधी बनेगी साथ में वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं रहेगी, वर्चुअल रहेगी, तो ये कीवर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, ये रहेगा। तो हमने दोनों आंसर के जवाब दे दिए। अब तीसरा आंसर था हमारे पास कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगी वो क्या आएगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है I/O। एक और फॉर्मूला इसका होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं, वो होता है V/U, और यहाँ पे आता है नेगेटिव। ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट ये फॉर्मूला ही है, क्या ये फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालना हो तो निकाल के देख लेना, बाकी हमने यहाँ पर नहीं निकाला है तो इसलिए हमने यहाँ पर बात बताई है। ओके, निकालना चाहो तो आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे जहाँ तक पूछते हैं आपसे वो नेचर पूछते हैं, साथ में आपसे वो पूछते हैं कि वी कितना आएगा, ये हमसे पूछा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर 3-4 चीज़ें कवर कर ली है। तो अब आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस करिए खुद से, इसी क्वेश्चन को एक बार खुद से करने हैं, खुद से करेंगे हम, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएंगे, कोशिश करेंगे आप लोग खुद से, ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए आपकी। बाकी ये पीडीएफ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सर इसके सर बाद आएगा। मैग्निफिकेशन -0.6 आया। हाँ वो आप अपने हिसाब से देख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फॉर्मूला दे दिया है, बस वैल्यू तो पुट करनी है। चलो ट्राई करेंगे आप लोग सभी स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएंगे लाइन बाय लाइन, और डायग्राम भी बनाना सर इसके करना बाद क्या वाला। है? बना लो तो बता देना, यहाँ पर आंसर बताने की जरूरत नहीं सर करना क्या है? है। इसी को एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस इसी को, आपने देख देख के किया, लेकिन जब आप कॉपी ओके में सर करोगे ना और चीजें समझ में आएगी, और डाउट आएंगे आपके दिमाग में, फिर वो पूछना, क्योंकि तो देख देख के करने में जो मतलब मजा नहीं आता है, असली सीखते हैं हम लोग जब खुद से करते हैं, इसलिए बोला कि इसको कर लो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ बता दिए हैं। अगर छोटा मोटा क्वेश्चन होता तो आपसे बोलते नहीं, लेकिन ये क्या है कि एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ से, उसको अच्छे से कर लो, बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे वो करना आप लोग घर पे करना, इसी तरीका के क्वेश्चन देंगे उसको घर पे करना। हमने सोचा था कि आज रिओप्टिक्स पढ़ा देंगे, लेकिन शायद आज भी नहीं हो पाएगा रिओप्टिक्स, आज तो सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल हो पाएंगे। लेकिन आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, देखो कितने न्यूमेरिकल करवा दिया आपको, कितना कॉन्सेप्ट सिखा दिया। सीखने पे फोकस करो, जीवन में सिर्फ सीखने पे फोकस किया करो, बाकी तो होता रहेगा चीज़ें, क्लास से कुछ ना कुछ लेके जाया करो कि यार आज ये चीज़ हम लोग सीख के गए, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें आज तक किसी ने बताया नहीं, आज ये सिखा दिया भैया ने या सर ने, जो आप लोग बोलते हो, हमें तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं पता थी इतने अच्छे से, अगर पता भी होगी तो इतने अच्छे से नहीं पता थी जबकि हमने बता दी, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पता थी क्योंकि वो पहले से पढ़ते थे, तो ऐसा भी हो सकता है। चलो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, सर हो जाए तो बोल देना कि हाँ हो गया सर हमारा, या फिर भैया जो भी हो हमारा हो गया है, आगे बढ़ो। ये जो यू पर नेगेटिव साइन लगा है उसका एक बार और कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। सर हो तो गया मगर आंसर चेंज आ रहा है। देखेंगे अभी क्या क्यों चेंज आ रहा है, यस यहाँ सर पर कुछ आंसर गलती चेंज आ करेंगे। रहा है सर। देखो सर 30 आ रहा है मेरा आंसर। सेम सर आंसर आ आया सर आ देखो गया आपने गलती करी होगी कुछ सर माइनस सेम प्लस आ की, रहा है वो देखो माइनस प्लस की सर। गलती नहीं करनी। देखो अपने पास क्या बोला उन्होंने, अगर उन्होंने कॉनकेव बोला होता, कॉनकेव तो अपन लोग इस तरीके से बनाते, और कॉनवेक्स बोला है तो इस तरीके से बनाते, पहले तो इतना क्लियर कर लो आप लोग सभी, इसके बाद आपको समझाते हैं आगे की कहानी। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, मान लो आप ही खड़ गए यहाँ पर इसके सामने आके, तो हमारे पास जब भी इमेज बनानी होती है तो दो रे हमें लेके जानी पड़ती है, मान लीजिए एक रे आपने ये लेके चले गए और एक रे आप लोग मान लीजिए इस तरीके से लेके चले गए, ठीक है, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी, जैसे ये यहाँ से गई और मान लीजिए ये यहाँ से गई, ठीक है ये यहाँ से गई, तो इस तरीके से जहाँ पर ये मीट करेगी, अब जैसे हमने इस डायग्राम में तो ऐसा ले लिया कि ये मीट नहीं करेगी, तो अगर मान लो आपका पॉइंट ये है सेंटर, इसका ये सेंटर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपना ओ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कि ये कितनी दूर खड़ा है हमारा भैया, तो वो हम लोग यहाँ जाएंगे यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि हमारी रे किस तरफ जा रही है, रे तो इस तरफ जा रही है, रे इस तरफ जा रही है ना स्टार्टिंग में, तो रे स्टार्टिंग में सी गई है और हमेशा उल्टा जा रहे हैं, हम उसको अपोज कर रहे हैं, तो इसके आगे आएगा नेगेटिव, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आपकी इमेज कहीं यहाँ पे बनती, ऐसा भी हो सकता है पीछे कभी कभी हमको ले जाना पड़ता है इमेज को इस तरीके से, और हमारी इमेज कुछ इस तरीके से बनती है यहाँ पर इस तरीके से, तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं कि अब हम लोग रे के साथ साथ जा रहे हैं, रे भी हमारी इस तरफ जा रही है और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग रे के साथ साथ जा रहे हैं, तो हम लोग इसको वी से डिनोट करते हैं, और जो भी इसकी डिस्टेंस आएगी उसको पॉजिटिव लेते हैं, इस 20 आई, 10 आई, 5 आई, इस तरीके से जो भी आती है ये लेते हैं। आ गया बात समझ में? यस सर। ये हो जाएगा यहाँ पर, देख लेना साइन कन्वेंशन इस तरीके से होता है, बाकी ये चीज़ क्लियर कर लेना, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको फोकल लेंथ के बारे में, ये तो बता सकते हैं आपको कोई भी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, नहीं तो यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यार, ये तो सबने बता दिया था लेकिन ये क्या करें, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। हाँ तो ये चीज़ कवर हो गई, बाकी देखो आपने कहाँ गलती करी है, अब टाइम नहीं है अपने पास, बाकी ये नोट्स दे देंगे तो आप लोग और चेक कर लेना। अब आगे देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, क्वेश्चन कौन सा है अपना रेओप्टिक्स का, अभी यह किया ना रेओप्टिक्स से हमने, दूसरा क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करिएगा, यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यहाँ पर फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि आप लोग होमवर्क कर सको, यहाँ पर हमें आर दे रखा है, ऑटोमोबाइल हैज आर इजिकल्स टू 3 m, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 m, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उन्होंने बस बोल दिया तो क्या हो गया, बस बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे ना उसे, इफ बस इज लोकेटेड एट 5 m फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज,
तो ये आपको सबको बताना है क्या है। अब अगर आपको आर दे दिया तब भी आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, तभी तो हमने ये चीज निकाली थी। अगर आपको कोई आर दे दे तो फोकल लेंथ आप लोग तब भी निकाल सकते हो। सर हाँ बोलो। लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है हाँ सर, वॉइस सर, ये -1 अपन में 10 लिया अपन ने, मतलब सर माइनस लगाया नहीं अपन ने ऑब्जेक्ट का, जो माइनस में थी डिस्टेंस। यहाँ पे आप पूछ रहे हो क्या? यहाँ पे जी नेगेटिव पे यहाँ नहीं पर। लगाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लगा लो, यहाँ पर पॉजिटिव लगा लो, फिर आगे जाके तो वो ओके नेगेटिव हो जाएगा ओके ना। ओके अच्छा सवाल था वैसे आपका, लेकिन ज़्यादा कोई ऐसा था नहीं कि आप नहीं कर पाते, उसके बिना भी हो जाता। चलो तो ये कौन है? अरे बाहर ही हो गए जब तक। देखो ऐसा हो, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप क्लास इंटर क्लास में आए और अगर आपको टाइम से एडमिट ना किया जाए तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं तब तक आप क्लास को कैंसिल कर देते हो, फिर से एंट्री मारोगे फिर से कैंसिल कर दोगे, तो हम जाएँ जब तक तो आप बाहर ही निकल जाते हो, तो ऐसा मत किया करो। जो क्लास में है उनके लिए बोल रहे हैं, आगे से ध्यान रखना क्योंकि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, सारा आंसर दे रखा है, सारी चीज़ें आपको बता रखी है। ओके बाकी और भी हमारे पास है क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, एक दो कर लिया तो काम हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैल्यूज देखो, चीज़ तो वही है ना, चीज़ तो वही है, आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेगी कि यू नेगेटिव कहाँ पे होता है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला बता रहा है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वहाँ पर क्या था? -V/U। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। तो नोट्स को थोड़ा अच्छे से देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग थोड़ा सा करिएगा। मैग्नीफिकेशन जो होता है यहाँ पर V/U होता है, किसके केस में? लेंस के केस में। और हमारे मिरर के केस में क्या होता है? मिरर के केस में यहाँ पर बस नेगेटिव आ जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अगर करना चाहें तो, कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो लेंस के केस में क्या होता है? V/U हो सकता है या फिर I/O हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है कि आई और ओ क्या है तो आपको फिर बता दें, आई हमारे पास होता है इमेज की हाइट और ओ होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट। एक काम करते हैं, क्लियर कर देते हैं यहीं पर, आप लोग नोट करना अच्छे से, हमको दोनों चीज़ आपको एक साथ बता देते हैं ताकि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मिरर की बात कर लेते हैं, मिरर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एम है हमारे पास, आप लोग एक काम करना, इसको इस तरीके से लिख लेना कि एम मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास I/O, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं -V/U। ठीक है, अब V और U तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, अब I और O क्या है ये आपको यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट करके लिख लेना कि I हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज या फिर इमेज हाइट, इमेज की जो हाइट होगी, और O हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट, ओबीजे हाइट। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको मिरर लेंस के लिए बना लेना है, लेंस के लिए। तो लेंस के लिए भी एम ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा I/O, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर बस V/U हो जाएगा। बस इतना सा नोट कर लो तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर ये नोट कर लेना कि एम यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ही है। ठीक है, बस इतनी सी चेंज है, बाकी सब सेम है। ओके ये रहेगा। चलिए तो कोशिश करेंगे आप लोग सभी। देखो यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर भी वही केस है कि फोकल लेंथ को हमने पॉजिटिव क्यों लिया, यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन था कि पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, बट यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो हमारा क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये इस तरीके से। ओके ये देखिएगा, अब देखो ये इन्वर्टेड बनी और रियल बनी। ठीक है, रियल हमेशा रियल जो बनी वो इन्वर्टेड बनी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, सीधा नहीं बनी उल्टी बनी। समझा देते हैं थोड़ा सा आपको, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, यहाँ से मान लो आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा था, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड ऐसी इमेज बनी। अब ये जो इमेज है ये रियल इमेज बनी है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब इन्वर्टेड। ओके एक होता है अपराइट, अपराइट का मतलब होता है जैसी की जैसी, इस तरीके की, अपराइट बोल दो इरेक्ट बोल दो एक ही बात नहीं पता कैसे चलेगा इन्वर्टेड बनी है इमेज। है। इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक ही होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड अपने ये मिरर्स, इनका एक टॉपिक होता है, वो आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक और चीज़ ये कर सकते हो कि अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी नेट वगैरह से डाउनलोड करके एक शॉर्ट में इसका एक पेज होता है पूरा का पूरा, शायद अपनी NCERT में भी दे रखा हो, वहाँ पर आप चेक करना, वहाँ पर उन्होंने सारे के सारे जो केसेस होते हैं उन केसेस की जो वैल्यूज आती है कि ये इमेज यहाँ इसके ये अगर ये केस लेंगे तो हमारी इमेज रियल बनेगी कि कैसी बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, वो उन्होंने एक ही पेज के अंदर सारी चीज़ दे रखी है।
तो अगर आपको ना मिले तो हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे और वो आपको यहाँ पर दे देंगे, शेयर कर देंगे। तो वहाँ से आप लोग समझ जाओगे कि हाँ अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा इमेज रियल बनेगी, ऐसी इन्वर्टेड बनेगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वर्चुअल बनेगी, तो आपको दिखा देंगे। लेकिन ये टॉपिक होता है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो ये चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला तो आप सबको पता होना चाहिए, बता रखा है वैसे हमने कि अपना जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का होता है। ओके, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है। एक चीज़ और हमको बतानी थी वहाँ पर, जो हमने शायद नहीं बताई आपको, तो क्या करें, चलो यहीं पर समझा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन आता है पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। पावर ऑफ लेंस होता है पी, पावर ऑफ लेंस होता है पी, जो कि होता है हमारे पास 1/f। ठीक है, ये होता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। एफ हमारे पास फोकल लेंथ होता है, पावर हमारे पास पावर जो हम लोग बोलते हैं ना कि अपने चश्मे का पावर ये है, उसके चश्मे का पावर ये है, उसका नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव है, तो वो चीज़ है। तो हमारे पास जो चीज़ दे रखी है वो देखो जरा, अ थिन लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। लेंस की बात हो रही है, ठीक है। वॉट इज द पावर ऑफ लेंस, वॉट इज द कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वॉट इज इट फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो नेगेटिव फोकल लेंथ मीन्स कॉनकेव, नेगेटिव जब भी आ गया हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव की बात हो रही है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कि कौन सा लेंस है हमारे पास, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग यहीं से देख के बता सकते हो। फोकल लेंथ देख के आप लोग क्या बता सकते हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है, ये बता दोगे आप लोग इसको देख कर, तो ये पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात देखो कि फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव है। वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, और यहाँ पे हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, 100 से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 100/ फोकल लेंथ आ जाएगा, और 100 से डिवाइड कर दो फोकल लेंथ का 25 का, तो पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस, मतलब कि इसको कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 4, और ये नेगेटिव में आएगी तो -4। यहाँ पर क्या आएगा, डिओप्टर, डिओप्टर ये बताना था आपको, डायोप्टर सर, 100 क्यों आया ये बता देंगे एक बार और, मैं बताएंगे, सुबह लेकिन ये समझ गए डायोप्टर क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। 100 ऐसे आया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आती है मीटर में आती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जो पावर ऑफ लेंस होता है वो होता है 1/f इन मीटर, इन मीटर, यहाँ पर देखना इन मीटर। तो मीटर में हमारे पास चीज दे रखी है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आप लोग कर लेना। आया समझ में? नेगेटिव कैसे आया, ये तो वैसे इन्होंने दे रखा है ना नेगेटिव, यहाँ पर तुमने बस वैल्यू तो पुट करी है। ओके सर, हाँ सर ये डायोप्टर की जगह हम डी लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हो, डी लिख सकते हो। अगर देखो क्वेश्चन में इन्होंने डी दे रखा है, वैसे यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, आप डी भी लिख सकते हो। ठीक है, -4D, ये भी सही है। अगर किसी ने लेंस वगैरह बनवाया हो या फिर अपने चश्मा वगैरह बनवाया हो, तो आप लोग देखना उसमें डी लिखा होता है, -4D या फिर 3D ऐसा कुछ करके। हाँ तो ये चीज़ होती है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए डायोप्टर क्या होता है, क्योंकि डायोप्टर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। डायोप्टर अगर ऐसा याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लो, डॉक्टर डॉक्टर करके, डॉक्टर डायोप्टर इस तरीके से, डॉक्टर साहब ने हमारे लेंस बनवा दिया, डॉक्टर डायोप्टर इस तरीके से, तो 4 बार बोलोगे तो हो जाएगा याद। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस वाला तो बहुत ईजी है। एक और बात, एक और बात, एक और बात जो हमें अभी याद आई है कि अभी जो मॉर्निंग वाली क्लास थी, मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए यार, आफ्टरनून वाली क्लास जो 12 बजे हमने लगाई थी, 12 से 2 बजे तक, तो वहां पर शायद हमने सेंटीमीटर बोल दिया था क्या गलती से, वो आप लोग देख लेना कि सेंटीमीटर बोला था कि मीटर बोला था, तो आप लोग मीटर कर लेना वहां पर। ठीक है, मीटर कर लेना, यहाँ पर मीटर आएगा, सेंटीमीटर हो गया हो तो मीटर कर लेना आप। चलो ये बात थी, क्योंकि क्लास में क्या 2 घंटे तक बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो ये चीज थी, बाकी ये छोड़ो अभी, ये छोड़ो। सर आपने वो ऑब्जेक्टिव दिया उसमें भी सेंटीमीटर है। हाँ तो उसको मीटर कर लो ना, बोला तो सही आपसे, मीटर कर लो, अगर सेंटीमीटर बोल दिया गलती से तो आप लोग मीटर कर लो, या फिर शायद हमने ऑब्जेक्टिव में दे रखा है क्या सेंटीमीटर, तो चलो मैं कर दूंगा करेक्शन। तो ठीक पीडीएफ को अभी और आगे बनाने बनानी है, तो उसको कर देंगे करेक्शन, वहाँ पे हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे उसको करेक्शन। ठीक है, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अपना। बाकी देखो जिन बच्चों ने प्रिज्म वाला डेरिवेशन कर रखा है, प्रिज्म वाला डेरिवेशन कर रखा है, तो वो एक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, प्रिज्म वाला डेरिवेशन एक हमने करवाया था, तो वो अगर हो जाए तो ये क्वेश्चन करने की ट्राई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपके पास वैल्यू ए दे रखी है और सिग्मा एम दे रखा है, तो सिग्मा एम को पुट करना, ए को पुट करना, तो आई आ जाएगा आपके पास, और आई आ जाएगा तो आप लोग आगे कर सकते हो। ठीक है, आई तो आपको निकालना है, इसके बाद आर कैसे निकालोगे, आर का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है a/2, तो वहाँ से कर लेना। तो वो डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है, आपको होमवर्क में दिया था ना हमने डेरिवेशन, तभी तो दिया था डेरिवेशन होमवर्क में, कि आप लोग कर लोगे तो कम से कम ये भी चीज़ आपसे बन जाएगी।
चलो अभी तक ये न्यूमेरिकल सिर्फ एक बार आया है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, एक हमारे पास चैप्टर होता है ड्यूअल नेचर वाला, ड्यूअल नेचर वाला, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अच्छा चैप्टर है, 2 नंबर के न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सर कम से कम। ड्यूअल नेचर आपने कराया? अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको फॉर्मूले तो बताने हैं उसमें, फॉर्मूले बेस्ड तो होते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल और जो होते हैं वो आप लोग बोल सकते हो कि ये डिपेंडेबल नहीं है चैप्टर के ऊपर। बिना चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि बिना बिना चैप्टर पढ़े हम लोग न्यूमेरिकल को हम टच भी ना करें, ऐसा नहीं है, हो जाएगा उसके बिना भी। फॉर्मूले बताने हैं तो करवा देंगे। तो यहाँ सर से एक जो सबसे छोटा सा फेमस क्वेश्चन था, क्या हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर 2 नंबर में ज्यादा क्वांटिटी थ्योरी वाले लॉजिकल क्वेश्चंस की होगी या फिर न्यूमेरिकल्स की? देखो, ऐसा हुआ था कि अभी जो पिछले साल की एग्जाम हुई है वहां पर लॉजिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन जैसा हमने सेट में देखा है अपने जो मॉडल पेपर का जो सेट अभी रिलीज किया है, वहां पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे भी फोकस किया गया, लॉजिकल और न्यूमेरिकल दोनों दे रखे हैं। जैसे अपना जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला, वहां से लॉजिकल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको करवा रहे हैं कि अपनी दोनों तरह से तैयारी हो जाए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे छोटा सा फॉर्मूला है, उसको रखो और ये हो जाता है, यस सर, ठीक है, ये रहता है। तो हम दोनों चीज़ को तैयार करने की कोशिश करते हैं कि ताकि अपने ये जो फ्री के नंबर है वो तो ना कटे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है ड्यूअल नेचर से कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, बस इतना सा उन्होंने दे रखा है, बाकी आपको समझना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू करके, ई इज इक्वल टू एच म्यू करके, और इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा, सी बाय लेमडा, क्योंकि म्यू जो होता है वो क्या होता है, सी बाय लेमडा हो जाता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेव क्या दे रखी, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और हो जाएगा काम हमारे पास। अब देखो किस तरीके से करना है। अब आपके पास एच सी ये हमारे पास दे नहीं रखा है, हमारे पास लेमडा दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच और सी जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट होते हैं, इनकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे ये हमारे पास एच जो होता है वो क्या होता है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो एच हमारे पास जो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻³। इसके अलावा जो सी होती है हमारे पास स्पीड, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है, 6.6 × 10⁻³, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 3 × 10⁸ का, और आपका न्यूमेरिकली हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसको आप लोग काटोगे, ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे। ये जो चैप्टर है ना ड्यूअल नेचर वाला, इसमें दिक्कत एक ये है कि इसमें जो जो होते हैं ना कैलकुलेशन, उसमें टाइम लगता है। तो आप सब ये काम करना, अगर ये चैप्टर से न्यूमेरिकल आए तो उसके लिए जगह छोड़ देना, अपनी कॉपी में जगह छोड़ देना, 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा, तो आप आधा पेज छोड़ देना, या फिर आप चाहो तो 1 पेज भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे इनको थोड़ा लास्ट में करना, फॉर्मूला चाहो तो आप लोग वहीं के वहीं लिख जाना, जैसे कि आप लोग लगता है कि अगर हमारा पेपर छूट जाएगा ऐसे में, तो आप लोग फॉर्मूला लिख देना, साथ में ये चीज़ लिख देना, इतना छोड़ देना। उसके बाद जो करेक्ट जो कैलकुलेशन होगी उसको जब पेपर अपना पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आराम से करना बैठ के, ओके, तो आपका दिमाग भी सही चलेगा। तो ऐसा करना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, यहाँ से इसको काटोगे फिर इसको काटोगे तो टाइम लगेगा इसमें, ओके। और ज़्यादा चीज़ें ट्राई मत करना, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप छोड़ोगे ना ऊपर तो भी आपका सही है, लेकिन हमारे पास टाइम था तो हमने इसको थोड़ा सा 19 कर दिया, यहाँ पर 4.9 कर दिया, तो ये भी सही है, तो ये आपके ऊपर है, ओके। आप लोग यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। तो इतना सा है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। पहले एक काम करेंगे कि अभी ये जो चैप्टर है इसके जितने भी फॉर्मूलेस होंगे उसको एक ही वीडियो के अंदर सारे कवर करवा देंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, ये छोटा सा चैप्टर है ड्यूअल नेचर वाला, हमने यूट्यूब के ऊपर मात्र 44 मिनट के अंदर अंदर, 44 मिनट के अंदर अंदर इसके क्वेश्चन भी करवा दिए, इसके न्यूमेरिकल भी करवा दिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, इस सारे चैप्टर के, इतना अच्छा चैप्टर है ये, मात्र 44 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसका वेटेज इतना नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएं, तो ये रहेगा, ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये भी ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, और एच और सी की वैल्यू याद कर लो, 6.6 × 10⁻³, और सी जो होता है 3 × 10⁸ होता है, बस सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ होता है। इतना सा आप लोग नोट करके चलो, इतना काफ़ी है।
बाकी ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही सवाल है, बाकी और भी सवाल हैं इसके, ये है, लेकिन आया सबसे ज़्यादा ये वाला है, ये वाला सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा जाया गया है। इसके अलावा और क्या है, जैसे आपके बताया था कि इसकी एक यूनिट होती है एच म्यू भी होती है, तो ये भी आप लोग देख लो, ये भी हो जाएगा आपसे, एच म्यू वाला ये भी देख लो। कि अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था जो क्या था, इजिकल्स टू एच सी बाई लेमडा, तो आपसे बोला था कि आप लोग ई इजिकल्स टू एच म्यू भी लिख सकते हो, एच म्यू, म्यू हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर आपके पास वेवलेंथ दे रखी हो तो इस तरीके से करो, फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो इस तरीके से करो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमसे दे दी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इज प्रोड्यूस बाय अ लेंसर, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द लाइट ऑफ द बीम, ये हमको दे रखी है। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि आप लोग एनर्जी बताओ, तो बस एनर्जी निकाल लो। और आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोष्टक में वो दे दे कि आप जो एच है उसकी वैल्यू ये है, एच इजिकल्स टू 6.6 × 10⁻³, तो बस वो रख देना 6.6, यहाँ पर 3 भी हटा दो अगर आपको ज़्यादा समझ में ना, अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है तो बस हो गया काम खत्म, बताओ इसमें क्या है। इसलिए बोलते हैं कि इसको भी आप लोग कर लो। तो आपने आज दो फॉर्मूले सीखे डुअल नेचर से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इतना हमारा कवर हुआ, उसके अलावा और क्या है, बस हो गया खत्म। तो ये रहेगा आपके लिए, बताइए समझ में आया आज की क्लास में कुछ। स्टूडेंट है हमारे पास, अभी भी 33 स्टूडेंट खड़े हो गए, तो काफी सारी चीजें आपने आज सीखी है, न्यूमेरिकल कैप टेंशन थोड़ी बहुत तो कम कम हो गई आपकी। सर बहुत कम हो गई टेंशन तो, बस न्यूमेरिकल की ये खत्म हो गई, बाकी और भी न्यूमेरिकल ट्राई करना हो तो कर लेना, टाइम बचे आपके पास, लेकिन जो आपको जो करवाए हमने वो पहले कर लेना। हाँ भैया बोलो सर, न्यूमेरिकल 3 चैप्टर में से आएंगे ना सर? देखो सारी चीज आपको क्लियर कर दी है कि इसे ये जो चैप्टर्स हैं, एक तो ये हो गया अपना, एक दूसरा वो बताया, उसके अलावा रे ऑप्टिक्स बताया, लास्ट में ड्यूअल नेचर बताया, तो 4 चैप्टर हो गए ना अपने, तो जैसे इसी में से आएंगे ना, मान के चलो यहीं से आएंगे। ओके सर, चार सर कल क्लास हुई सर, कल क्लास लगी सर, एक वो चैप्टर होमवर्क मिलेगा आपको टाइम टू टाइम। ओके सर बोलो क्या बोल रहे हैं। एक चैप्टर और बचा है ना सर, वो लाइमन वो सीरीज है ना, लाइमन बामन क्वेश्चन, उसमें ऐसे भी आ सकते हैं ना सर? चलो अब एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये जो डाउट है ये डाउट तो हमारे ऐसे नॉर्मल डाउट्स हैं, तो देखो अभी आप मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप करते हैं।